समस्तंकु धन्यवाद। मेरा नाम डॉक्टर सुधांशु मिश्रा है और मैं यहाँ नाबार्ड का मुख्य महाप्रबंधक हूँ। देखिए, नाबार्ड का कहना है कि गांव बढ़े तो देश बढ़े, तो ये हमारे FPOs हैं जिनके साथ नाबार्ड पिछले 5 साल से जुड़ा रहा है। तो हमने सोचा कि उड़ीसा के आम की एक प्रदर्शनी लगाई जाए, और प्रदर्शनी ऐसी लगाई जाए ताकि हम बता सकें पूरे उड़ीसा को कि कितने तरीके के आम यहाँ आते हैं। तो आप नीचे देख रहे होंगे कम से कम 30 वैरायटी के आम हमारे यहाँ सारे डिस्ट्रिक्ट से आए हैं, और सारे लोग खरीद भी रहे हैं। हमारे ख्याल से 10 टन तो आम सुबह से बिक गया होगा। नाबार्ड का ये मानना है कि हमारा एक मकसद है कि गरीब के घर में रोटी पहुँचनी चाहिए। नाबार्ड का ये भी मकसद है कि बहुत जगह पानी की कमी होने के कारण हम लोग पूरे साल खेती कर पाने में मुश्किल होगी, तो हॉर्टिकल्चर बेस्ड फार्मिंग सिस्टम्स पे अपने को जाना पड़ेगा। क्योंकि एक आम का पेड़ अगर आप 2 साल बचा लें तो 100 साल तक फल देता है, और आम की और दूसरे फलों की रिक्वायरमेंट मार्केट में अच्छी है और उसकी कीमत भी अच्छी मिलती है। तो नाबार्ड ने ये फेस्टिवल 10 से 12 जून के लिए 10 से 12 जून के बीच में ऑर्गेनाइज़ किया है। इसमें हमने OUAT के साथ, डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर के साथ और चेस के साथ मिलके, और हमारे ज़िलों से जो FPOs हैं वो सारे के सारे आए हैं, और हमारे NGO पार्टनर्स आए हैं। इसमें हम लोग ये सोचते हैं कि ना केवल आम बिके बल्कि आम के उत्पाद भी बिके। जैसे आम पापड़ बहुत आपने बचपन में खाए होंगे, लेकिन अब आम पापड़ कहीं नहीं मिलता, लेकिन हमारे FPOs आम पापड़ बना के लाए हैं। और हम ये मान के चलते हैं कि ये आम पापड़ भी अभी अगर हम प्रॉपरली मार्केट करें तो इसका एक बहुत बड़ा डिमांड है, और जब किसान को आम का दाम नहीं मिलता तो उसको रोक के रख सकता है, फसल रोक के रख सकता है। जी ये 3 दिन के लिए चलेगा, 3 दिन के लिए चलेगा। पहले दिन हमारे बैंकर्स आए थे, RBI ने इसका उद्घाटन किया था। कल हमारे स्टेट गवर्नमेंट के लोग आएंगे, कल किट्स से भी जो है क्या कहते हैं उनके इंक्यूबेशन सेंटर के इंचार्ज आएंगे, और सबसे बड़ी बात है हमने मंडी के आढ़तियों को बुलाया है, और मंडी के आढ़तियों के साथ अपने FPO के मेंबर्स की हम एक बैठक करवा के ये जानना चाहेंगे वो जो आम खरीदते हैं वो कहाँ से खरीदते हैं, किस दाम खरीदते हैं, और क्या हमारे लोगों के साथ एक एग्रीमेंट हो सकता है। हम ये सोचते हैं कि स्टार्टअप्स जो है इस क्षेत्र में बहुत सारे बढ़ सकते हैं जिनको नाबार्ड बढ़ाने की कोशिश करेगा। मैम हमारा देखिए ऐसा होता है, एक FPO में करीब करीब 1,000 किसान होते हैं, तो हमारे कम से कम 30 FPO यहाँ पे आए, तो उस हिसाब से आप समझ लीजिए कि कम से कम जो है 10 ट्रक 5 ट्रक 60 ट्रक माल हमारा आया है जो किसान बेच रहा है नीचे, उसके हिसाब से सोच लीजिए कि कितने कितने रिप्रेजेंटेशन कितना होगा। हमारा ये मानना है कि जब आम बहुत अच्छा बिक जाएगा, पहले हम लोगों को लग रहा था बिकेगा नहीं बिकेगा, लेकिन हम लोगों ने FM के साथ मिलके एक स्ट्रेटजी के साथ उनकी पूरी पब्लिसिटी की है, और जब आम बिक जाएगा तो सब खुश खुश जाएंगे, त्यौहार आने वाले हैं, त्यौहार मनाएंगे। मुँह अच्छी है डेमोन्स्ट्रेशन असिस्टेंट स्टेट कम्युनिटी कैनिंग सेंटर डायरेक्टर ऑफ हॉर्टिकल्चर आमर IDH है चित्तरंजन साहू, तांकर डायरेक्टर सार है आम रोहित कुमार लेंका, तांक तत्वावधान आम जॉइन करूँ। एटी आम आसी स्टल पड़ी 2 स्टल डायरेक्टर ऑफ हॉर्टिकल्चर आमर आंब सब आम फार्म मानक आंब प्रदर्शन कर जो जितक आम फार्म अच्छे एटी डेरास फार्म अच्छी एकामकरण फार्म अच्छी KPO अच्छी एमती हॉर्टिकल्चर अंडर में जो जिते फार्म से सब आंब ऑर्गेनिक आंब कौन पेस्टिसाइड आदि यूज होना कौन प्रकार केमिकल्स यूज होना केवल ऑर्गेनिक वे रे ए आंब सब आसी आंब सब एटी आसी प्रदर्शन एवं बिक्री एटी 8-10 प्रकार आंब अच्छी एटी अच्छी बैगणपल्ली आम्रपल्ली दशरी लेंगड़ा लाडसुंदरी आप मल्लिका गोलाप खास एमती विभिन्न भेराइटर आंब अच्छे मैडम। हाँ बहुत आज तो प्रथम ओपनिंग है बहुत भल बेपार बहुत लोक मैंने बहुत आप्रिसीएट कर डायरेक्ट हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन प्रडक्ट को आंब को कारण जेहतु लोक मैंने चाहूँ बर्तमान ऑर्गेनिक वे रे केमती आंब चाष कर आंब फल खाइबे कारण सब पेस्टिसाइड खाऊँ लोक मैंने ये शक्ति बहुत कमी आने आस्ते आस्ते रोग प्रतिरोधक शक्ति कमी आने तेणु ये जो ऑर्गेनिक वे रे से कहीं आप यूज कराइक चाहूँ ऑर्गेनिक रे कौन प्रकार मानने केमिकाल्स यूज हो ना केवल जिया खत निम पुड़िया निम तेल ए सब जिनस आंब प्रडक्शन होेणु हॉर्टिकल्चर गवर्नमेंट हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ये सब बाबद बहुत सक्रिय बर्तन होती ऑर्गेनिक वे करवाई से आम डिपार्टमेंट डायरेक्टर ऑफ हॉर्टिकल्चर गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा फार्मर जो गवर्नमेंट फार्मर डिपार्टमेंट ये सब बहुत प्रकार सार कर आमर ए बहुत लोक मैंने उपकृत होती चाषी मानक बहुत सब्सिडी भी दि जाऊँगी आंब गच बाबद आंब चाष करूँ सुस्थ रुहतु एवं आंब है गोटे सुस्थ फल नाई गोटे मानने यहाँ गोटे एग्रिकल्चर सेक्टर जिनस कहले अत्युक्ति हेनी कहीं देखूँ इच्छा थी आम गच मुहटी
ମାନେ ଏବେ ଏଇ ଆମର ପରିବେଶ ଦିବସରେ ମୁଁ ପାଞ୍ଚଟା ଆମ୍ବ ଗଛ, ବରଗଛ, କଦମ୍ବ ଗଛ ଲଗେଇଛି। ଏଇଟା ଇଏ ଖାଲି ଆମ୍ବ ଆମେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଯେତେ ନୁହଁ, ଏଇଟା ପରିବେଶକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସୁଦୃଢ଼ କରୁଛି। ସେଥିଯୋଗୁଁରୁ ଏ ଆମ୍ବ ପ୍ରତି ଯେଉଁମାନେ ଆଣିକିରି ଏଠି ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବି ଏନକରେଜ୍ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ପଇସା ଦେଇକି କିଣିଲେ ଆହୁରି ଭଲ ଲାଗିବ। ମୋତେ କ'ଣ ମଲ୍ଲିକା ଫଲିକା କେତେ ପ୍ରକାର କ'ଣ ସବୁ ନାଁ କହିଛନ୍ତି, ତାପରେ ମୋତେ ସବୁ ମୁଁ କହିଲି ସବୁ ଭେରାଇଟିରୁ କିଛି କିଛି ଦିଅ। ଯେଉଁ ଦୋକାନ ଆଭରେଜ 50 ଟଙ୍କା ଭିତରେ ସବୁ ଅଛି, ଏଠି ତ 70 ଟଙ୍କା ନେଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏ 50 ଟଙ୍କାଟା ଆମକୁ ଶସ୍ତା ଲାଗିଲା। ଆମ୍ବ ମୋର ଟିକେ ଭାତ ସାଙ୍ଗରେ ଖାଇଲା ବେଳେ ଟିକେ ଆମ୍ବ ଯଦି ଖାଇଲି, କାଲି ରୁଟି ରାତିରେ ଖାଉଥିଲି, ଆମ୍ବ ବି ଗୋଟେ ଖାଇଲି, ମୋତେ ଆମ୍ବଟା ଭାରି ମାନେ ଟିକେ ଆମ୍ବ ଜାତୀୟ ଜିନିଷ ଟିକେ ମୋତେ ଟିକେ ଭାରି ମୋର ୱିକନେସ୍। ଆଉ ଘରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଆମ୍ବ ଖାଇବାକୁ କହୁଛନ୍ତି, ମୋର ଡାଇବେଟିସ୍ ଅଛି, ମୋର ଭୟ ନାହିଁ, ମୁଁ ଔଷଧ ଖାଉଛି ବୋଲି କିଛି ଖାତିର କରୁନି। ମୁଁ 78 ବର୍ଷ ବୟସ ହେଲାଣି, ଆମ୍ବ ପ୍ରତି ମୋର ଗୋଟେ ଭାରି ଦୁର୍ବଳତା ଅଛି। ଏ ସିଜିନ୍ରେ ଆସିଲେ କଞ୍ଚା ଆମ୍ବଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମୁଁ ଆମ୍ବ ଚଟଣୀ କରିକି ମଧ୍ୟ ଖାଇବା, ମୋର ମାନେ ଘରେ ସମସ୍ତେ କହେ ମୋତେ ଆମ୍ବ ଚଟଣୀ କରିକି ଦିଅ, ତେଣୁ ମୋର ଆମ୍ବ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଦୁର୍ବଳତା ଅଛି। ଆଉ ମୁଁ ବି 5-6 ବର୍ଷ ତଳେ ଆମ୍ବ ଗଛ ଲଗେଇଥିଲି 5ଟା, ସେଗୁଡ଼ା ଫଳୁଛି ଯେ ମୁଁ ସେ ଗଛକୁ ଦେଖିବାକୁ ମାନେ ସପ୍ତାହରେ ଥରେ ଯାଉଛି। ମୋରି ଘର ସାମ୍ନାରେ ଲଗେଇଛି, ସେ ମୋର ଘରଠାରୁ ଆଉ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଦୂରରେ ଏମିତି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ତାକୁ ଯାହା ହାଇଲାଇଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଏନକରେଜ୍ କରନ୍ତୁ, କୃଷି ଜାତୀୟ ଜିନିଷ ଏଇ ଗୋଟେ, ସମସ୍ତେ ଏଥିରେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ, ଆପଣମାନେ ଖରାରେ କଷ୍ଟ କରିକି ଏ ବାଇକ୍ ନେଉଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।